चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे मेमोरी कितने तरह का होता है। तो मेमोरी हम लोग का दो तरह का होता है, ठीक है। एक आपका प्राइमरी मेमोरी और एक आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपका दो तरह का होता है, जो कंप्यूटर का आपका मेन मेमोरी होता है, जो आपका ऑलरेडी कंप्यूटर में लगा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी आपका दो तरह का होता है, एक आपका होता है रैम और एक आपका होता है क्या चीज़, रोम होता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी आपका जो होता है वो आपका बैकअप मेमोरी होता है। और वो जो सेकेंडरी मेमोरी आपका जो होता है ना, वो आपका एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। मेमोरी आपका कितने तरह का, तो दो तरह का। सबसे फर्स्ट में आपका प्राइमरी मेमोरी और एक आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आपका कितने तरह का, दो तरह का, एक आपका रैम और एक आपका रोम। अब आपका जो है ना प्राइमरी मेमोरी आपका दो तरह का, तो हम लोग कंफर्म हो गया कि दो तरह का आपका होता है। अब रैम जो है आपका कौन सा मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, प्राइमरी में आपका रैम आता है और आपका रोम आता है, तो रैम जो है आपका वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल किसे बोला जाता है? वोलेटाइल मेमोरी जो होता है उसका डाटा आपका लॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इट लॉसेस ऑल द डाटा वाइज पावर इज ऑफ। मतलब जैसे ही पावर आपका ऑफ हो जाएगा ना, मतलब पावर जैसे ही आपका कट गया, तो उसका सारा का सारा आपका डाटा लॉस हो जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे थे, या फिर कोई है कि मोबाइल पे आप मतलब कि गेम खेल रहे थे, वीडियो देख रहे थे, या कुछ भी चैटिंग वगैरह कर रहे थे, अचानक से कि मोबाइल आपका बंद हो गया, मतलब बैटरी खत्म हो गया, तो क्या वापस वही से आता है? एक्सेल में कुछ आप बनाए थे और कंप्यूटर बंद हो गया था, क्या वापस फिर से आता है? सेव करते तब आता है ना, ऐसे तो आपका नहीं आता है। तो कंप्यूटर में आपका क्या होता है, चाहे मोबाइल में क्या होता है, कि कोई भी चीज़ हम लोग वर्क करते रहते हैं, अचानक से आपका मोबाइल बंद हो गया, चाहे कंप्यूटर बंद हो गया, तो सारा का सारा आपका डाटा लॉस हो जाता है। तो रैम का जो डाटा है वो आपका लॉस हो जाता है, और ये आपका वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। रैम को कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है, जब तक आपका लाइट है, जब तक इसको पावर मिल रहा है, तब तक ही आपका काम करेगा, तब तक ही इसको याद है, और तब तक ही इसमें स्टोरेज आपका रहेगा। जैसे आपका पावर मतलब ख़त्म हुआ, पावर कट हुआ, तो सारा डाटा आपका लॉस हो जाएगा और इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन इसको हर चीज़ याद रहता है, ठीक है। रोम को, रोम है जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब हमको इसे याद करना रहेगा। जैसे मान लीजिए हमको अभी बताएं कि रैम जो है आपका वोलेटाइल मेमोरी है और रोम है जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो हमको याद कैसे रहेगा कि ये वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है? दो दिन तक याद रहेगा, चार दिन तक याद रहेगा, एक महीने तक याद रहेगा, कुछ दिन बाद हम भूल जाएंगे, तो हमको याद कैसे आएगा? एक सिंपल सा ट्रिक बताया था ना याद करने का, कि इसे हमको याद करना रहेगा, ठीक है। कभी इसे हमको क्वेश्चन सामने आ गया कि रैम है जो आपका कौन सा मेमोरी है या फिर रोम है जो आपका कौन सा मेमोरी है, हम पता कैसे करेंगे कि आपका वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? देख चलिए एकदम सिंपल सा ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है आर ए एम, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आर ओ ओम। आर ए एम आपका देखिए फर्स्ट वाला भी सेम, लास्ट वाला भी सेम, यहाँ पे भी फर्स्ट वाला सेम, लास्ट वाला सेम। अब देखिए यहाँ पे एक को अगर हम उल्टा करते हैं तो आपका वी बनता है ना, जैसे देखिए एक उल्टा करेंगे तो वी बन रहा है ना, तो ये आपका वोलेटाइल मेमोरी है। अब वो को कितना भी आप रोटेट कीजिए, कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल है। जैसे यहाँ से इसको उल्टा किए आपका बन गया वी, तो आपका वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसको कुछ भी करेंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये आपका सिंपल सा आपका ट्रिक है, आप हमेशा याद रखिएगा, कभी आपको कन्फ्यूजन होगा। और देखिए कि रैम का उल्टा कर रहे हैं तो वी बन जाता है, वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखिए आपका नॉन वोलेटाइल है रोम, इसको हर चीज़ याद रहता है, ठीक है। ये कोई भी चीज़ है कि आपको भूलता नहीं है। रैम है कि सारा डाटा आपका लॉस हो जाता है, जैसे ही पावर कटा आपका डाटा लॉस, और कुछ भी इसको याद नहीं रहता। जब तक लाइट है तब तक ही आपका वर्क करेगा, तब तक ही इसको याद है, लेकिन जैसे ही लाइट कटा तो सारा आपका इसका जो भी डाटा रहेगा आपका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, कि रोम का जो डाटा है वो आपका कभी लॉस नहीं होता है, ठीक है। चाहे आपका पावर कट जाए, या फिर मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाए, चाहे फ़ोन आपका डेथ, मतलब कुछ भी आपका हो जाए, जैसे आपका पावर जैसे कट होता है तो इसका कोई भी डाटा लॉस नहीं होता है। जैसे चलिए सिंपल के तौर पे, और रोम आपका जो हर चीज़ में रहता है, और रोम हम लोग के यूज़ के लिए नहीं रहता है। हम लोग है कि रोम में कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है या फिर आपका मोबाइल है, तो आपका नहीं सुनेगा, जो कंपनी वाला उसको पहले से समझा के भेजा है वही वो काम करेगा। जैसे कंपनी वाला उसको बताया है, जैसे ही उसको इंट्रक्शन दिया है, वैसे ही आपका काम करेगा। जैसे हम लोग रिमोट का जैसे यूज़ करते हैं, तो रिमोट में देखा कर रैम है कि रूम में आपका फिक्स किया हुआ है, तो अगर रिमोट का हम बटन चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन, तो वन के जगह पे टू कर देंगे, तो क्या टू काम करेगा? नहीं काम करेगा। जैसे हम लोग के पास यहाँ पे कीबोर्ड अभी अवेलेबल है, तो कीबोर्ड अभी हम लोग यहाँ पे देखिए आपका रूम है, तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ ए वाला बटन, यहाँ पे हम जेड लगा देंगे, तो क्या जेड काम करेगा?
नहीं काम करेगा, क्योंकि पहले से इसको कंपनी वाला कि बता करके समझा करके भेज जा, जैसे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ए है तो आपका यही पे आपका ए काम करेगा, अगर यहाँ पे हम के की जगह पे लगा देंगे टी तो टी काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले से इसका है कि रूम में फिट किया हुआ है। जैसे किसी का भी हम लोग का शादी होता है लड़की का, तो उसकी जो मम्मी है पहले ये कि रूम में फिट कर देती है, पहले ही समझा कर भेज देती है कि मतलब जैसे ससुराल जाएगी तो कैसे रहना है कैसे काम करना है, वो सारा कुछ आपको बता देती है, ठीक है, और जैसे बताया जाता है वैसे ही वो काम करती है, ठीक है। कुछ दिन के बाद भले ही मतलब ससुराल का असर हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन पहले जो इंट्रैक्शन उसको बताया जाता है वैसे ही वो काम करती है, रहती सहती है, मतलब सारा कुछ। अब यहाँ पे देखिए अगर रूम है तो रूम जो हम लोग का है ना, हम लोग के यूज़ के लिए होता ही नहीं है, जैसे आपका रूम हर चीज़ में रहता है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग मशीन में भी आपका रूम रहता है, जैसे उसमें हम लोग टाइमिंग फिक्स कर दिया 10 मिनट का, तो 10 मिनट में आपका ऐसे अंदाज़ा लगा तो नहीं कपड़ा मतलब वो धो देगा, तो अगर 5 मिनट ऐसे है कि आपका मतलब लाइट था, किसी किसी वॉशिंग मशीन में देखिएगा आपका मतलब एक बार ऐसे राउंड करेगा फिर ऐसे एक बार राउंड करेगा, तो मान चलिए 5 बार ऐसे चला और बीच में कि लाइट कट गया, तो उसको याद रहता है कि हम ऐसे घूम गए थे, अब ऐसे हमको रोटेट करना है, ठीक है। जैसे हम लोग इंडक्शन का यूज़ करते हैं, तो इंडक्शन में भी आपका रूम रहता है, उसमें भी हम लोग टाइमिंग लगा देंगे, खाना है 15 मिनट बन जाएगा, तो जैसे ही 15 मिनट हो जाता है ऑटो कट कर देता है, प्लस में अलार्म भी बजने लग जाता है, बताया ना। उसके बाद फिर जैसे आपका है कि यूज़ करते हैं हम लोग इसका आपका गाड़ी का यूज़ करते हैं, तो गाड़ी का जब भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका लगा रहता है टर्न लाइट, अगर हम लेफ्ट वाला जलाते हैं तो लेफ्ट ही वाला जलता है ना, राइट वाला जलता है नहीं ना, उसमें भी आपका रूम लगा रहता है। तो रूम आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम लोग यूज़ करते हैं आपका हर चीज़ में आपका रूम रहता है, चाहे आपका वॉच यूज़ कीजिए, चाहे वॉशिंग मशीन यूज़ कीजिए, चाहे आप इंडक्शन यूज़ कीजिए, हर चीज़ में, क्योंकि कंपनी वाला पहले ही उसको इंट्रैक्शन दे देता है, पहले ही उसका है कि रूम में फिट कर देता है कि मतलब कैसे काम करना, जैसे उसको समझाता है वैसे आपका है कि रूम काम करता है, ठीक है। अब देखिए रूम है जो आपका 3 तरह का होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में कंपनी वाला फिर डिसाइड किया कि अगर वो कुछ भी चेंज करना रहे, ऐसे तो हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो कुछ भी नॉर्मली चेंज होता है, नहीं चेंज होता है कुछ भी, हम लोग लाख प्रयास कर लेंगे चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन कंपनी वाला फिर बाद में डिसाइड किया कि अगर हमको कंपनी का लोगो वगैरह में कुछ भी हमको चेंज करना रहा या कुछ भी हमको चेंजिंग करना, तो हम लोग चेंजिंग कैसे करेंगे। तो रूम में जो का 3 तरह का होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में का होता है पी रूम, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए पी रूम है जो का प्रोग्रामेबल है, मतलब ऑलरेडी आपका प्रोग्रामेबल है, इसमें हम लोग कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी वाला फिर बाद में से डिसाइड किया कि अगर इसे इसका डाटा जो है, जैसे हमको कंपनी का लोगो में कुछ चेंजिंग करना रहा चाहे किसी और चीज़ में हमको चेंजिंग करना रहा, तो हम चेंजिंग कैसे करेंगे। जैसे नोकिया का पहले लोगो था, तो जैसे पुराना वाला जो लोग फ़ोन यूज़ करते थे तो उसमें क्या था कि मतलब जैसे मतलब लोग फ़ोन ऑन किए ना तो उसमें आपका हाथ मिलाता था, ऐसे मिलाता था ना, लेकिन अब नोकिया का फ़ोन यूज़ करते हो ऐसे हाथ मिलाता है, नहीं मिलाता है। उसका लोग प्रयास करते थे कि लाख प्रयास करते कि मतलब हाथ नहीं मिला है, तो क्या रुकता था, नहीं रुकता था, लाख प्रयास करने के बाद भी वो हाथ मिला ही लेता था, ठीक है। तो फिर जैसे बाद में कंपनी वाले से चेंज किया लोगो वगैरह, तो ईपी रोम में जो था ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, मतलब पहले का जो डाटा था ना उसको इरेज करके, मतलब पहले वाला जो डाटा था उसको पहले इरेज करना पड़ेगा, इरेज करने के बाद फिर उसमें आप नया डाटा है कि उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और आपका लेटेस्ट में आया आपका डबल ईपी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी था, जो मतलब इलेक्ट्रिकली इरेज करके डाटा उसमें प्रोग्राम है कि आप इनबिल्ट कर सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रैम है। रैम कितने तरह का हम लोग का होता है, 3 तरह का। सबसे फर्स्ट में कौन सा, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद फिर डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। या फिर कुछ भी हम लोग स्टोर करते हैं तो रैम में स्टोर होता है, या फिर एक रोम में कुछ भी डाउनलोड किए हैं, या फिर कोई भी ऐप्स हम लोग इंस्टॉल किए हैं, कोई भी चीज़ है कि मूवी डाउनलोड किए हैं, तो हम लोग का डाउनलोड किस में होता है, रैम में होता है, बताइए रैम में या फिर रोम में। रैम में होता है नहीं, अगर रैम में हम इंस्टॉल करेंगे तो आपका लाइट कटेगा तो सब तो खत्म हो जाएगा, कोई फोटो ही नहीं रहेगा, कोई आपका वीडियो ही नहीं रहेगा, मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो कहानी उसका खत्म। अब बोलिएगा रूम में, तो रूम में तो हम लोग कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें होगा कैसे। तो देखिए जितना भी चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं या फिर जितना भी चीज़ हम लोग स्टोर करते हैं, जितना भी चीज़ हम लोग मतलब इंस्टॉल करते हैं, तो सारा का सारा जो इंस्टॉल होता है ना वो आपका होता है हार्ड डिस्क में, ठीक है। सारा का सारा आपका हार्ड डिस्क में होता है, ना आपका रैम में और ना आपका रूम में। अगर रूम में करेंगे तो आपका रहेगा नहीं, और रूम में कि हम लोग कुछ चेंजिंग कर नहीं सकते हैं,
उसके अलावा आप देखिए आपका रैम भी है जो आपका दो तरह का होता है। रोम तो हम लोग जान गए कि रोम तीन तरह का आपका होता है, लेकिन रैम भी आपका दो तरह का होता है। तो एक आपका होता है एस रैम स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आपका होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आपका है स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम लोग जो टाइमिंग जो सेव करते हैं, मतलब आपका जो रहता है कंप्यूटर में, वो हम लोग टाइम किस में सेव करते हैं, रैम में या फिर रोम में? जब का टाइम दिखाता है ना, मोबाइल में हो गया या फिर आपका कंप्यूटर में हो गया, तो जब हम लोग टाइम जो सेव करते हैं वो किस चीज़ में सेव करते हैं? हम लोग रैम में करते हैं। कौन सा रैम में करते हैं? रैम तो आपका दो तरह का, एक आपका डायनेमिक है, एक आपका स्टेटिक है। और रूम में तो हम लोग सेव कर सकते नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग होगा नहीं। और आपका हर कंट्री का आपका जो टाइमिंग है आपका अलग अलग रहता है। अब किसी को अलार्म लगाना रहेगा तो अलार्म लगेगा नहीं। तो हम लोग देखिए जो चेंज करते हैं ना टाइम, वो हम लोग करते हैं एस रैम में। ठीक है, टाइम तो हम लोग डेली चेंज नहीं करते हैं, एक बार चेंज कर दिए, एक बार अलार्म लगा दिए तो आपका हमेशा क्लियर रहता है। तो हम लोग जो टाइम ये सब जो चेंज करते हैं ना, वो सारा का सारा हम लोग करते हैं एस रैम में, स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और जो हम लोग काम करते हैं ना, वो सारा का सारा काम वो किस में होता है? तो आपका डी रैम में होता है, डायनेमिक। मतलब डायनेमिक मतलब आता है और जाता है डाटा, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पे हम लोग वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं। अब आपका एक काम कैसे करता है? ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं वह जो आपका रैम और रोम आपका काम कैसे करता है। और आपसे क्वेश्चन भी आता है, आपका क्वेश्चन भी, अभी आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा आपका होता है, कंप्यूटर का या फिर किसी चीज़ का सबसे फास्ट मेमोरी बताइए। सबसे फास्ट मेमोरी होता है वो आपका होता है कैची मेमोरी। कैच मेमोरी का नाम सुने हैं? वो सबसे फास्ट आपका होता है, सीपीयू और रैम के आपका बीच में होता है। कभी पूछे कि सबसे तेज या फिर सबसे मतलब जो फास्ट मेमोरी है वो कौन सा मेमोरी है, तो कैच मेमोरी है। आपका मोबाइल में भी होता है और आपका कंप्यूटर में भी होता है। और वो ज़्यादा स्टोरेज का आपका नहीं होता है, बहुत ही कम स्टोरेज का आपका होता है, 1 MB 2 MB 5 MB का आपका ऐसा ही होता है। आपका देखिए कोई भी एप्लीकेशन में जाएगा तो आप कैच मेमोरी या फिर क्लियर कैच का आपका ऑप्शन देता है, क्लियर कैची का ऑप्शन देगा फ़ोन में। अब एक कैच मेमोरी काम क्या करता है, जैसे कोई भी चीज़ आप कॉपी करते हैं या फिर जैसे मान लीजिए आप कोई मैसेज भेजते हैं, तो जैसे किसी के पास मैसेज भेजते हैं, एक ही मैसेज आप मतलब बहुत सारे लोगों के पास भेज दिए, जैसे गुड मॉर्निंग भेज दिए, उसके पास भी गुड मॉर्निंग के भेज दिए, फिर जैसे तीसरा आप गुड मॉर्निंग भेजेंगे तो जैसे आप लिखिएगा जी ना, तो सजेशन आपको दे देगा एक मैसेज। जैसे आप टाइप कीजिएगा खाली जी, तो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाता है ना, तो वो सजेशन देने का काम करता है कैच मेमोरी। ठीक है, एक मैसेज दो मैसेज कहीं भी आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो तीसरा बार जैसे आप लिखिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका लिखा हुआ आ जाएगा, लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। वही बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कि मतलब आप सर्च करते हैं ना, या फिर बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मतलब भेजते हैं तो कन्फ्यूज हो जाता है, तो क्लियर कैच का आपको ऑप्शन देता है मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। क्लियर कैच कर दीजिएगा तो सारा आपका हट जाता है और फिर से आपका वर्क करेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे आपका जो तेज़ आपका या सबसे फास्ट आपका मेमोरी होता है कौन सा मेमोरी होता है, तो आपका कैच मेमोरी होता है। ठीक है, और यह बहुत ही आपका छोटा होता है। ठीक है, इसका स्टोरेज बहुत ही कम आपका होता है, और ये सीपीयू और ये आपका मेमोरी के दोनों के बीच में आपका होता है, बहुत ही करीब होता है। अब हम लोग जानेंगे कि काम एक कैसे करता है। ठीक है, मतलब ये जो आपका मेमोरी है आपका कंप्यूटर का रैम और रोम और हार्ड डिस्क कैसे काम करता है। तो देखिए जैसे क्या है ना, क्या लोग काम कैसे करता है, ये पहले लोग अच्छे समझ लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, आपका एक डायग्राम भी बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए बना हुआ है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में देखिए आपका मेमोरी है, तो मेमोरी हम लोग कितने तरह का होता है आपका, दो तरह का। सबसे फर्स्ट में प्राइमरी, एक तरह का आपका सेकेंडरी। मेमोरी कितने तरह का, दो तरह का। कभी भी आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होना है, मेमोरी पूछे तो कितने तरह का, दो तरह का, एक आपका प्राइमरी और एक आपका सेकेंडरी। प्राइमरी कितने तरह का, दो तरह का। प्राइमरी मेमोरी कितने तरह का, दो तरह का, कौन कौन सा, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सा आपका होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी आपका पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी होता है जो आपका बैकअप के लिए होता है, जो आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जो हम लोग बाहर से लगाते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ा तब इसका हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी होता है जो आपका मेन मेमोरी होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में देखिए आपका प्राइमरी मेमोरी आपका दो तरह का होता है, एक आपका वोलेटाइल और एक आपका नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी किसे हम लोग बोलते हैं, वोलेटाइल किसे बोलते हैं, हम लोग रैम को बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका रैम है जो आपका वोलेटाइल मेमोरी है, और जो आपका रोम है जो आपका नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल आपका तीन तरह का आपका होता है,
पी रोम, उसके बाद ई पी रोम और आपका डबल ई पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई पी रोम का फुल फॉर्म, उसका भी डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म। उसके बाद फिर आपका जो है ना रैम भी आपका दो तरह का आपका होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट कौन सा आपका रैम, एस रैम स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद फिर दूसरा डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक आपको यहाँ पर देखिए पैराग्राफ बना दिए हैं और डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये आपका देखिए जो है आपका बैकअप मेमोरी है, ठीक है, जो आपका हार्ड डिस्क हो गया, सी डी डी वी डी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, डी वी डी हो गया, ये सब आपका है जो बैकअप मेमोरी है, ठीक है। कभी भी है कि इसका जरूरत पड़ेगी, मतलब फुल हो गया आपका मोबाइल ही आपका फुल हो जाता है, तो हम लोग पेन ड्राइव लगा के कॉपी कर लेते हैं ना फोटो वीडियो, या फिर मोबाइल का फॉर्मेट ही करना रहा तो हम लोग बैकअप के लिए बना लेते हैं, तो ये बैकअप के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये ना कि आपका परमानेंटली आपका होता है, परमानेंटली रहता है जो लोग का रैम और रोम रहता है।